प्रिय स्टूडेंट्स, आज हम एक ऐसे विषय पे बात करने जा रहे हैं आपसे जिसको हम लगातार या तो इग्नोर करते हैं या उस पर ध्यान नहीं देते। हम विषय के अंदर की सारी चीज़ों को पढ़ लेते हैं लेकिन कई बार हम विषय को नहीं पढ़ पाते, तो इसीलिए हमने एक कोशिश की है कि हम विषय को पढ़ें। फिलॉसफी क्या है, फिलॉसफी को कैसे परिभाषित किया जाता है, ये एक विषय के अंदर जाने की बात है। लेकिन फ़िलोसफी एज ए सब्जेक्ट, फिलोसफी एज ए सब्जेक्ट, एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट, एज ए सब्सिडरी सब्जेक्ट, एज ए सब्जेक्ट फॉर नेट जेआरएस, सब्जेक्ट फॉर यूपीएससी, फिलोसफी एज ए सब्जेक्ट क्या है हमारे यूजी के लिए, पीजी प्रोग्राम के लिए क्या है, तो इसलिए मैं ये वीडियो आपके सामने लेकर आया हूँ। और इसको मैंने इस रूप में, जिस रूप में डिवीज़न किया जाता है, इसको समझा जाए कि क्यों फ़िलोसफी को हम लोग फ़िलोसफी कह के निकल जाते हैं। फ़िलोसफी के अंदर बहुत सारे ब्रांचेज हैं जो मेनली हमारे यूजी पीजी कोर्सेज के हिसाब से जो वर्गीकृत है, जैसे इंडियन फ़िलोसफी, वेस्टर्न फ़िलोसफी, लॉजिक, सोशियो पॉलिटिकल फ़िलोसफी, फ़िलोसफी ऑफ रिलीजन एंड एथिक्स। ये जो 6 ब्रांचेज हैं फ़िलोसफी के, ये मेन ब्रांचेज हैं, इसको कि डिवाइड किया जाता है और इसके अंदर हम जाके चीज़ों को पढ़ते हैं। फ़िलोसफी का मतलब ये 6 स्तंभ, हम इंडियन फ़िलोसफी, फिर वेस्टर्न फ़िलोसफी, फिर लॉजिक, सोशियो पॉलिटिकल फ़िलोसफी, फ़िलोसफी ऑफ रिलीजन, एथिक्स पढ़ते हैं। अब इसका एक वर्गीकरण और भी हो सकता है जिसको एथिक्स के, लॉजिक के अलावा उन चीज़ों में बांटा जाता है जहाँ हम मेटाफिजिक्स जिसको कहते हैं, एपिस्टेमोलॉजी कहते हैं, तो वो एज ए ब्रांच ना जाके हम उसकी विशेषता के आधार पर हम उसको वहाँ पर बांटते हैं। तो एक और वर्गीकरण देखते हैं जो थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल में बांट के वर्गीकृत करता है फिलॉसफी को, उसको देखिए। एक वर्गीकरण जो माना जाता है सैद्धांतिक वर्गीकरण है कि हम फिलॉसफी को दो भाग में बांट दें, थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल में हमारा लॉजिक, एथिक्स, ये सब आता है, और भी चीज़ें हैं जो हमारे बियॉन्ड है, हमारे हम जिस लेवल में हैं उसके बियॉन्ड है, जैसे एस्थेटिक्स है, एक्सियोलॉजी है, सिमेंटिक्स है। उसी तरह से थ्योरेटिकल में हमारा कॉस्मोलॉजी, ऑन्टोलॉजी, मेटाफिजिक्स, साइकोलॉजी, थियोडिशी और एपिस्टेमोलॉजी। तो ये यहाँ पे जो चीज़ें हैं, मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी, एथिक्स, लॉजिक, ये ऑन्टोलॉजी, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमें फ़िलोसफी में, उन फिलॉसफीज़ में भी मिलते हैं जिसका वर्गीकरण, जो पूर्व वर्गीकृत मैंने किया। अब थोड़ा सा अंदर चलते हैं, अंदर चलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं भारतीय दर्शन की। ध्यान रखेंगे दोस्तों कि हमने आपकी सुविधा के हिसाब से इसको हिंदी, अंग्रेज़ी, हिंग्रेजी में बनाया है, ताकि जहाँ पे जैसे भारतीय दर्शन है तो उसको मैंने हिंदी में डिवाइड करने की कोशिश की है, उसी प्रकार से अगर वेस्टर्न फिलॉसफी है तो उसको मैंने उसके हिसाब से अंग्रेज़ी में वर्गीकृत किया है ताकि आपके अध्ययन की सुविधा हो उसमें। तो हम अगर देखें इसको, तो भारतीय दर्शन की बात करते हैं। भारतीय दर्शन की बात करें तो इसको दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है, आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन। आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन में यहाँ आस्तिक दर्शन का आधार और नास्तिक दर्शन का आधार बिल्कुल भिन्न है। ईश्वर में विश्वास बिल्कुल नहीं है इसका आधार, इसका आधार है वेदों में विश्वास। तो जो वेद में विश्वास करते हैं वो आस्तिक दर्शन, जो वेदों में नहीं विश्वास करते हैं वो नास्तिक दर्शन। तो वास्तिक दर्शन में हमारे यहाँ षट दर्शन यानी कि 6 दर्शन आते हैं, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत। और उसी प्रकार से नास्तिक दर्शन में 4 वाक् या लोकायत, दूसरा जैन, तीसरा बौद्ध दर्शन, इसको त्रिक नास्तिक भी या नास्तिक त्रिमुख भी कहा जाता है। तो ये हमारा जो नास्तिक दर्शन और आस्तिक दर्शन यानी भारतीय दर्शन में यही कुल 9 दर्शन हमें पढ़ने हैं। वेदांत के अंदर फिर सब सेक्शन हो जाता है, अद्वैत वेदांत, विशिष्टाद्वैत वेदांत, द्वैताद्वैत वेदांत, ये अंदर का वर्गीकरण है। लेकिन मुख्य रूप से हमें यही 9 फिलॉसफीज़ पढ़ने हैं और हमारा भारतीय दर्शन इससे पूरा होता है। अब इसी प्रकार से अगर हम पाश्चात्य दर्शन की बात करें तो पाश्चात्य दर्शन को हम किस रूप में वर्गीकृत करते हैं? पाश्चात्य दर्शन को हम ग्रीक काल, जो हम जहाँ से ओरिजिन है वेस्टर्न फिलॉसफी का, जो हम थेलीज से स्टार्ट करते हैं कि थेलीज ने किस चीज़ से को कहा था कि उत्पत्ति सृष्टि का केंद्र है, तो उन्होंने जल को माना। तो वहाँ से जो थेलीज की जो मान्यताएं हैं, वो जिसको हम एरिस्टोटल, प्लेटो, सुकरात का काल पढ़ते हैं, वो ग्रीक काल है, उसको ग्रीक काल कहते हैं। उसके बाद पश्चात पाश्चात्य जगत में एक अंधकार युग रहा जिसे मध्यकालीन युग कहते हैं, जिसमें धर्म का बहुत ज़्यादा साम्राज्य था, तो उसने बहुत ज़्यादा डोमिनेट किया और उस दौरान बहुत ज़्यादा विकास नहीं हो पाया। फिर से अभ्युदय हुआ आधुनिक दर्शन, और डिकार्ट ने, जब मैं सोचता हूँ मैं हूँ और संदेह की पद्धति को लेकर वो आए, और वहाँ से आधुनिक दर्शन की शुरुआत मानी जाती है। और आधुनिक दर्शन के बाद कुछ लोग उत्तर आधुनिक और समकालीन को एक ही मानते हैं, कुछ लोग अलग अलग मानते हैं, लेकिन मोटे तौर पर यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि आधुनिक दर्शन में डिकार्ट, स्पिनोजा, लाइबनीज़ यानी कि बुद्धिवाद, अनुभववाद
और फिर हम उसके कांट का समीक्षावाद और हेगल तक पढ़ते हैं। उसके आगे जो मूर और उसके आगे की जो यात्रा शुरू होती है उसे उत्तर आधुनिक और या समकालीन पाश्चात्य जगत में रखते हैं। तो ये हमारा पाश्चात्य दर्शन का वर्गीकरण है, इस रूप में हम इसको बांट कर पढ़ते हैं। इसी रूप में अगर हम धर्म दर्शन की बात करें, धर्म दर्शन की हमारे एक व्यापक समझ बनाने की ज़रूरत है, इसलिए मैंने ये डायग्राम यूज़ किया है कि धर्म दर्शन कई बार हमें जटिल भी लगता है। धर्म दर्शन कुछ संक्षेप में हमने यहाँ पे रखा है और ये इसको सिर्फ तीन भागों में मैंने बांटा है और वो है धर्म, आत्मा और ईश्वर। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो धर्म दर्शन में जितने भी विषय हैं, चाहे धार्मिक मान्यताएँ हों, धार्मिक भाषाएँ हों, धर्म ग्रंथ हो, धर्म का इतिहास हो, धर्म का उद्भव हो, वो सब धर्म से जुड़ा हुआ। उसी प्रकार से ईश्वर के की समस्या, ईश्वर के अस्तित्व के संबंधी जो मान्यताएं हैं, ईश्वर के प्रमाण हैं, अशुभ की समस्या, इस तरह की जो भी समस्याएं हैं ईश्वर से जुड़ी हुई, वो ईश्वर के साथ जुड़ा हुआ रहेगा। उसी प्रकार से आत्मा, आत्मा के साथ मुख्यतः दो तीन चीज़ें ही जुड़ी हुई हैं, आत्मा की अमरता, आत्मा के साथ पुनर्जन्म और मोक्ष का संबंध है। तो आत्मा, पुनर्जन्म और मोक्ष, अमरता, ये सारी चीज़ें आत्मा से जुड़ी, तो ये सब मिलके धर्म दर्शन बनता है। तो धर्म दर्शन की ओवरऑल एक समझ इसी रूप में हमें बनाने की ज़रूरत है। इसी प्रकार से एथिक्स की बात करें तो एथिक्स को तीन भागों में बांटा जाता है, नॉर्मेटिव एथिक्स, मेटा एथिक्स और अप्लाइड एथिक्स। मेनली हम लोग को जो अप्लाइड एथिक्स को भी फिर कई भागों में वर्गीकृत किया जाता है, जैसे कि आज हम लोग बायो एथिक्स की बात करते हैं, पर्यावरणीय नैतिकता की बात करते हैं, बहुत सारी नैतिकता जो हमारे कमर्शियल एथिक्स हैं, जुडिशियल एथिक्स हैं, वो सब अप्लाइड एथिक्स में आता है। उसी प्रकार से एथिक्स के जो दो और वर्गीकरण हैं, मेटा एथिक्स और नॉर्मेटिव एथिक्स। मेटा एथिक्स मुख्यतः सैद्धांतिक पक्ष है, मेटा एथिक्स में हम एथिक्स के जो शब्दावलियाँ हैं उस पर ध्यान देते हैं, और नॉर्मेटिव एथिक्स हमारे सिद्धांतों से जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि सोशियो पॉलिटिकल फिलोसफी को कैसे, सोशियो पॉलिटिकल फिलोसफी की मेन चीज़ें क्या है, सोशियो पॉलिटिकल फिलोसफी मीन्स व्हाट, उसमें क्या चीज़ें रखी जाती हैं। तो सोशियो पॉलिटिकल फिलोसफी को हम इस रूप में देखते हैं कि सोशियो पॉलिटिकल फिलोसफी को हम तीन भाग में बांट सकते हैं कि सोशियो पॉलिटिकल फिलोसफी में हम सबसे पहले इंस्टीट्यूशन पढ़ते हैं कि सोशियो जो सामाजिक राजनीतिक संस्था हैं, जैसे व्यक्ति, व्यक्ति क्या है, सामाजिक राजनीतिक संस्था है। उसी प्रकार से फैमिली, सोसाइटी, स्टेट, ये सारी सामाजिक राजनीतिक संस्थाएं हैं, इसलिए हमने कहा है इसको सोशियो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। इसी प्रकार से सोशियो पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट, जैसे हम पढ़ते हैं लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, ये सब क्या है, सोशियो पॉलिटिकल सोवेनिटी भी इसमें जुड़ जाएगा, सोशियो पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं। इसी प्रकार से तीसरे को मैंने कहा सोशियो पॉलिटिकल सिस्टम एंड आइडियोलॉजी, जैसे डेमोक्रेसी, ऑटोक्रेसी, थियोक्रेसी, सोशलिज्म, लिबरलिज्म, गांधीज्म, ये सारी जो मान्यताएँ हैं जिसको हम आइडियोलॉजी एंड सिस्टम के अधीन रख सकते हैं। तो इस प्रकार से सोशियो पॉलिटिकल फिलोसफी को हम तीन भाग में, इंस्टीट्यूशन, कॉन्सेप्ट एंड तीसरा सिस्टम एंड आइडियोलॉजी में बांट के वर्गीकृत करके ओवरऑल समझ सोशियो पॉलिटिकल फिलोसफी में रख सकते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लॉजिक। लॉजिक में हम मेन चीज़ें क्या पढ़ते हैं, लॉजिक में सबसे पहले तो हमें ये पढ़ना होता है इसके थ्योरेटिकल आस्पेक्ट में कि हम लॉजिक कहते किसको, व्हाट इज़ लॉजिक एंड इट्स स्कोप एंड नेचर। लॉजिक साइंस है कि आर्ट है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं, इसका नेचर क्या है, इसका स्कोप क्या है। फिर हम कई बार इसमें डेफिनेशन, परिभाषा क्या होता है, परिभाषा क्या होता है, इन चीज़ों को भी पढ़ते हैं। उसके बाद हम स्टेटमेंट और प्रोपोजिशन, स्टेटमेंट से जुड़े हुए बहुत सारे कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट, सिंपल स्टेटमेंट, उसी प्रकार से प्रोपोजिशन के साथ कंपाउंड प्रोपोजिशन, सिंपल प्रोपोजिशन, फिर यहीं पे ट्रुथ टेबल वगैरह सारी चीज़ें आने लग जाती हैं। फिर इसी प्रकार से जो लॉजिक के दो मेथडोलॉजी हैं, इंडक्शन और डिडक्शन मेथड, वो पढ़ते हैं हम। सिम्बॉलिक लॉजिक पढ़ते हैं, लॉजिक ऑफ रिलेशंस पढ़ते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन लॉजिक के मेन कॉम्पोनेंट यही है। तो ओवरऑल एक दर्शन विषय के रूप में हमने कहा कि हम दर्शन के अंदर नहीं जा रहे हैं, हम दर्शन की बात कर रहे हैं, दर्शन विषय की, दर्शन एक सब्जेक्ट के रूप में क्या है। तो दर्शन एक सब्जेक्ट के रूप में फिर से ये छह चीज़ें जो हमने कही आपको, उसी रूप में इसको वर्गीकृत किया जाता है। और लास्ट में हमने एक आपको महात्मा गांधी का कोट दिया है कि अर्थ प्रोवाइड्स इनफ टू सेटिस्फाई एवरी मीन्स नीड बट नॉट एवरी मीन्स ग्रीड। हम लोग आज कोरोना काल में जी रहे हैं, तो कहीं ना कहीं गांधी जी के इस संदेश को आज फॉलो करने की ज़रूरत है कि नेचर को इंटरवेंशन की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हम कहीं ना कहीं मानवता, कहीं ना कहीं मानव जाति लालची होते जा रहे हैं। तो हम लालच को छोड़ के अपनी आवश्यकता की ओर अगर लौटें तो नेचर भी अपने आप को क्योर करेगी, और नेचर के साथी के रूप में अगर हम बनकर चलें तो सब कुछ बेहतर होगा। इसलिए मैंने यहाँ पे कोट जोड़ा है। और अंत में सभी को धन्यवाद, थैंक यू सो मच।